हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत टाइम के बाद लेके आ गई हूँ संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग फॉर चाइल्ड, वो भी नए तरीके से। तो आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक साड़ी से मैं लेके आई हूँ, और ये वाला साड़ी ड्रॉपिंग आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक साड़ी ली हूँ जो कि आप देख सकते हो और स्काई और ब्लैक कलर में ये वाला साड़ी आता है, और नीचे मैं एक लेगी वायर कर ली हूँ। और इसके बाद मैं हमेशा आपको दिखाती आई हूँ और सिखाती आई हूँ कि आपको लेगी के साथ एक धागा अपनी कमर में बांधना है, पर मैं यहाँ पे कोई भी धागा अभी नहीं बांधी हूँ क्योंकि मेरी लेगी थोड़ा सा टाइट है, इसलिए मैंने इसके साथ ही ड्रॉप किया। अगर आप चाहते हो तो आप भी धागा, एक्स्ट्रा धागा अपनी कमर में बांध सकते हो, क्योंकि हम पेटीकोट वायर नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें धागे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मेजरमेंट कर रही हूँ कि कहाँ तक हमें रखना है। जैसे कि ये बच्चों के लिए है तो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही ड्रॉप करना है, अपनी जो नी एयर है वहाँ तक आपको ड्रॉप करना है। जैसे कि मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताई थी कि आपको नी से नीचे तक, अगर आप बड़े हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आपको नी एरिया तक या फिर नी से थोड़ा सा ऊपर आप ड्रॉप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले पूरी साड़ी को ऐसे ही मेजरमेंट के हिसाब से पहले तो फोल्ड कर देना चाहिए ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी राइट हैंड से ड्रॉप करने की आपको कोशिश करना है। राइट हैंड साइड से एक बार फुल राउंड आपको घुमा देना है। तो आप देख सकते हो मैं फुल राउंड ऑलरेडी घुमा चुकी हूँ अपनी साड़ी को, और जहाँ तक मैंने मेजरमेंट किया था बिल्कुल वहीं से मैंने ड्रॉप करना स्टार्ट किया। इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है वो अंदर की तरफ कटिंग कर देना है। आप चाहो तो धागे की मदद से भी कर सकते हो और लेगी की मदद से भी कर सकते हो, अगर आपकी लेगी थोड़ा सा टाइट हो तो। इसके बाद आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्लेट्स नहीं बनाऊंगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पीछे की तरफ साड़ी को लेके जाऊँगी, आप देख सकते हो, और पीछे से मैं फिर से इसको ऑपोजिट एरिया में घुमा के लेके आऊँगी। आप ध्यान पे देखना, सबसे पहले आपको पीछे के साइड पे लेके जाना है, और पीछे के साइड पे लेके जाने के बाद आपको वहाँ से रिटर्न ऑपोजिट डायरेक्शन में साड़ी को घुमाना है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे हमेशा से ही वीडियो लेके आऊँ, तो आपको क्या करना है, आपको मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जो कि आपको लिंक आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके नीचे आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डांस रिलेटेड कोई भी साड़ी रिलेटेड आप वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से हिट कर देना है, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक बार घुमाने के बाद साड़ी को फिर से हमें पीछे की तरफ लेना है। आपको समझ में आ रहा है ना, पहले हम पीछे की तरफ लेके उसको ऑपोजिट सामने की तरफ लेके आए, उसके बाद फिर से हमें इसको पीछे की तरफ लेके जाना है। तो आप अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको तभी समझ में आएगा। फिर पीछे के साइड लेने के बाद उसको हम सामने की तरफ लेके आएंगे और डायरेक्टली अपने कंधों पे डाल देंगे। हम अपनी जो कमर में प्लेट्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम अपने कंधे पे पल्लू सेट करेंगे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अपने हाथों से ही पल्लू को सेट कर रही हूँ बॉर्डर के साथ, आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है, और यही इसका डिजाइन है जो साड़ी ड्रॉपिंग मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से लेके ऊपर तक एक सीधा कॉर्नर में बॉर्डर जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं एक पिन डाल के उसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो पल्लू है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। अगर आप इसी टाइप का साड़ी या फिर कोई भी नॉर्मल साड़ी भी लोगे तो इतना ही पल्लू आपका लॉन्ग निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो पल्लू है, जैसे कि आपको पता है हम हमेशा से ही उसको अपने एक कॉर्नर पर उसको अटैच कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमें क्या करना है, उसको दो बार घुमा के पीछे के एरिया पर हमें ले कर जाना है और उसको बिल्कुल सेंटर में हमें टक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बिल्कुल पीछे के एरिया पे उसको आराम से टकिंग कर चुकी हूँ, जैसे कि बहुत सारे डांसर इसी टाइप का साड़ी ड्रॉपिंग और इसी टाइप का डिजाइन पहन रहे हैं। तो ये है इसका फाइनल लुक, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी न्यू
टॉपिक के ऊपर हमेशा से वीडियो लेके आती हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और हाँ, हमेशा की तरह आपको बताना है कि न्यू वीडियो किस टॉपिक में देखना है। तो मैं मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।